एक्सेल ओपन कर लें। अगर आपको डेस्कटॉप पे मिलता है तो आप यहाँ से डेस्कटॉप से ओपन कर लेंगे एक्सेल। डेस्कटॉप पे नहीं है तो आप विंडो बटन पर प्रेस करके और यहाँ पे सर्च कर लेंगे। अरे ये तो अपना सही हुआ यार, विंडो की प्रेस करेंगे और एक्सेल सर्च करेंगे। ब्लैंक वर्कबुक, हमने इंसर्ट टैब में ये पिक्चर्स वाले ऑप्शंस बता दिए थे, ठीक है। आपके शेप्स वाले चल रहे हैं तो आप यहाँ से ये शेप्स के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको जो भी शेप लेना है आप यहाँ से वो शेप ले लेंगे। जैसे आप यहाँ से वो शेप को सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपका माउस पॉइंटर प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा। अब आपको जितने भी शेप लेना है माउस के क्लिक को दबा के रखेंगे और ड्रैग कर देंगे तो आप देखेंगे आपके पास शेप आता जा रहा है, ठीक। और छोड़ देंगे तो आप देखेंगे आपने जितना ड्रैग किया था उतना आपके पास ये शेप आ गया है। अब आप इस शेप पे क्लिक करते हैं, डॉट्स आ रहा है इसमें, इन टॉप वाले डॉट और बॉटम वाले डॉट पे माउस पॉइंटर लेकर जाते हैं तो एरो वाला साइन आता है। आप नीचे की साइड करेंगे तो इसकी हाइट बढ़ेगी, ठीक है, और टॉप में करेंगे तो इसको ऊपर की साइड करना है। और अगर आप लेफ्ट और राइट साइड से इसकी विड्थ बढ़ाना चाहती हैं तो ये लेफ्ट है और ये राइट है, आप इससे इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं। और दोनों एक साथ कम या ज्यादा करना होती है, कॉर्नर पे डॉट आ रही है इनसे आप अगर इस पे माउस पॉइंटर लेके जाएंगे तो एरो वाला साइन आएगा। अंदर की साइड ड्रैग करेंगे तो इसका साइज छोटा होता जाएगा, बाहर की साइड ड्रैग करेंगे तो इसका साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब आप ये शेप ले लेते हैं तो यहाँ पे आपका ये फॉर्मेट वाला ऑप्शन आ जाता है, फॉर्मेट टूल। अगर आप बाहर कहीं क्लिक करते हैं तो आपको वो ऑप्शन नहीं मिलता, ठीक है। तो अपन एक्सेल पर क्लिक करते हैं और यहाँ, सॉरी एक्सेल पर नहीं, सेव पर, सेव पर अपन क्लिक करते हैं और यहाँ पे फॉर्मेट टूल, हमने ये ऑप्शंस बता ही दिए थे आपको कि और भी ऐड करना हो सेव तो आप यहाँ से और भी ऐड कर सकते हैं इस टाइप से। चेंज करना हो तो ये आपका चेंज सेव के लिए रहता है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, कोई दूसरा सेव लेना हो आपको। और एडिट पॉइंट है, अगर आपको एडिट मतलब इसका तुच्छ टेढ़ा या बड़ा साइज करना हो तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डॉट आ जाएंगे आपके, इन डॉट से आप इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको अंदर की साइड थोड़ा और कर देते हैं इस टाइप से, तो आप देखें उस टाइप उसने सेव ले लिया आपका। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका टेक्स्ट बॉक्स, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, इसमें कुछ टेक्स्ट लिखना हो वो लिख के रख सकते हैं, अपन इनको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे बताए थे आपको शेप स्टाइल्स, आप इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं तो आपको आपके शेप में जो भी स्टाइल रखनी है अप्लाई करना है आप करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे शेप में वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रही है, हो रहा है, ठीक है। आपको जो भी स्टाइल रखनी हो आप यहाँ से रख सकते हैं। इसके बाद सेव फिल, आउटलाइन और ये भी हमने बता दिए थे। सेव फिल से क्या होगा, इसके अंदर आपका कलर आता है, आ रहा है कलर, ठीक है, मतलब इसके अंदर कलर फिल करना आप यहाँ से कर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आपको मिलता है मोर कलर, अगर आप नो फिल कर देंगे तो पूरा वाइट हो जाएगा, मतलब उसके अंदर कलर हट जाएगा, क्या हुआ। और अगर आपको और अदर कलर लेना हो तो यहाँ पे मोर फिल कलर आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड कलर मिलते हैं और कस्टम कलर मिलते हैं। आपको यहाँ से जो भी कलर लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं। स्टैंडर्ड कलर और कस्टम कलर में सेम कलर रहते हैं, देखिए यहाँ पर भी ब्लू है, आपको यहाँ पर भी ब्लू मिलेगा, ठीक है। बस यहाँ पे क्या होता है, ये कस्टम कलर में आपको डार्क करना है कलर को या लाइट करना है वो आप यहाँ से चेंज कर लेते हैं। लेकिन आपको स्टैंडर्ड कलर में ये ऑप्शन नहीं मिलता डार्क लाइट का, डार्क लाइट का इसमें कैसे मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पे ये थोड़ा ज्यादा डार्क ब्लू है, फिर आप नीचे थोड़ा सेलेक्ट करेंगे तो थोड़ा लाइट होता जाएगा। इसमें आपको इस टाइप से सेलेक्ट करना पड़ता है अगर आपको डार्क कलर लेना हो या लाइट कलर लेना हो। और कस्टम में क्या होता है कि यहाँ से करते हैं आप। इसके बाद यहाँ पे आप ये रेड ग्रीन ब्लू इनको बोलते हैं आरजीबी कलर, ये कलर मोड है आपको, यहाँ पे मॉडल कलर मॉडल आप यहाँ पे देखिए आरजीबी लिखा हुआ है, मतलब आर का मतलब होता है रेड, जी का मतलब ग्रीन, बी का मतलब ब्लू। इन तीनों कलर से मिलकर आप जो कलर बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं,
बस आपको यहाँ पे कोड डालना है, जैसे रेड में आपको कितना कलर लेना है, रेड कलर में, जैसे हमने यहाँ पर डाल दिया 150, तो आप देखेंगे रेड में 150, ग्रीन में 117 और ब्लू में 255, तो कितना कौन सा कलर आ जाएगा आपका, ये वाला। और यहाँ पर भी अपन यहाँ पे कितना कलर 250 कर देते हैं, देखिए अभी आपका ये आ गया कलर, और यहाँ पे आप चेंज करना चाहते हैं 150 करना चाहते हैं तो ये आ जाएगा, तो चेंज हो रहा है कलर। अब ये कलर के कोड तो याद, किसी किसी को कुछ कोड हो जाते हैं, किसी किसी को नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे कोड्स रहते हैं, एक एक उसमें अंतर आता है, एक एक उसमें आप यहाँ से कम ज्यादा नंबर कर देते हैं, तो आप यहाँ से कुछ भी कोड डाल के देखना तो यहाँ पे आपको बता दे कि किसका नंबर है, ये किस कलर का नंबर है, कोड है मतलब ये। तो अपन यहाँ पे ये डाला कोड, रेड में इतना डाला है, ग्रीन में इतना और ब्लू में इतना, तो ये इसने ये कलर बता दिया आपको, तो आप यहाँ से कर सकते हैं जितना करना हो आपको। तो अपन यहाँ पर कर लेते हैं, कोई और सा कलर ले लेते हैं थोड़ा, ये वाला, और वो कर दें तो आपके शेप में वो कलर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद शेप फिल के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है पिक्चर, इसके अंदर आपको पिक्चर देनी है, तो क्या करेंगे आप पिक्चर पर क्लिक करेंगे, जिसी पिक्चर पर क्लिक करते हैं तो इंसर्ट पिक्चर्स के लिए इस टाइप से आ जाता है, यहाँ पे है आपका ब्राउज, अगर आप ब्राउज सेलेक्ट करते हैं तो आपके सिस्टम में जो आप वो डाउनलोड करके इमेज सेव करते हैं, डाउनलोड में आपके सिस्टम में पहले से सेव रहती है वो इमेज देते हैं आप। अगर आपको पता नहीं है, जैसे कुछ स्टूडेंट को पता नहीं रहता कि किस ड्राइव में इमेज होंगी, नहीं रहता क्योंकि आपने सेव नहीं की है, तो आप पता नहीं है किस ड्राइव में आपको इमेज मिले नहीं मिले, तो आप यहाँ से ऑनलाइन भी ले सकते हैं, जैसे अपन यहाँ पे ऑनलाइन सर्च करते हैं, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इमेजेस आ जाएंगे, ठीक है, आपको इसमें से जो भी इमेज लेनी है आप उस इमेज को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट करेंगे तो आपके वो सेव जो रहेगा उसमें आपके यहाँ पे इमेज आ जाएगी, आ गई इमेज। अभी तो अपन ने स्माइल ली थी तो इस टाइप से, अगर आप ये नॉर्मल ये रेक्टेंगल आ रहा है इस पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर लेंगे तो इसके अंदर नॉर्मल में आ जाएगी, या फिर आपको सर्कल में लेनी है तो नॉर्मल आप यहाँ से सर्कल ले सकते हैं इस टाइप का, इनके अंदर भी पिक्चर ले सकते हैं, ये फॉर्मेट ऑप्शन है यहाँ से, ठीक है, तो आप यहां से भी आप सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आपकी इमेज आ जाएंगे, जो भी इमेज आपको लेनी है आप यहाँ से ले सकते हैं, जैसे ये वाली ने इसको सेलेक्ट किया आपने, इंसर्ट किया, तो आप देखेंगे वो इमेज आ जाएगी आपके सेव के अंदर, ठीक। और सर्कल में लेनी है उस टाइप में तो आप यहाँ से ही ले लेंगे। अभी इसमें ये थोड़े यहाँ पे देखा ये साइन आ रहा ना, इसकी स्माइल की आईस आ रही है और यहाँ पे स्माइल आ रही है, तो वो दिख रहा है आपको, अगर आप चाहते हैं पूरा प्लेन में आए आपको, मतलब कुछ ऐसा लगे नहीं कि कुछ है उसके अंदर, तो आप इस टाइप से ले सकते हैं इमेज, ठीक। इसके बाद इसमें नेक्स्ट ऑप्शन रहता है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट कलर हमने आपको बनाया बताया था कि एक से ज्यादा कलर को आप मिक्स करके बनाते हैं, जिन्हें शायद आप मल्टी कलर्स भी बोलते होंगे, जैसे आता है ना कपड़ा आता है मल्टी कलर्स का, चूड़ी आती है मल्टी कलर्स की, अगर आपको इसमें क्या करना है फिल करना है मल्टी कलर, तो आप यहाँ पे बना सकते हैं ग्रेडियंट कलर, उनको बोलते हैं ग्रेडियंट। अब यहाँ पे ये पहले से बने हुआ रहा, ये है लाइट में, ये है डार्क में, देखिए अंदर फिल हो गया उसके, आपने यहाँ से ब्लू कलर लिया था इसलिए उसने यहाँ पे ब्लू कलर दे दिया आपको, जैसे अगर आप यहाँ से ग्रीन ले लेती हैं, अब आपको यहाँ पे ग्रीन का ग्रेडियंट दे देगा बना के, देखिए आ गया, अब ये तो पहले से ग्रेडियंट कलर है। अगर आपको आपके अकॉर्डिंग बनाना है कलर तो यहाँ पे आपको मोर का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप से आ जाएगा आपके सामने, तो अपन पहले इसको क्लोज कर देते हैं और इसको यहाँ पे मूव करके रखते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं अपन, ठीक है, इसमें अपन ने कलर फिल करना है ग्रेडियंट, तो शेप फिल के ड्रॉप डाउन और पर क्लिक करेंगे ग्रेडियंट और यहाँ से मोर ग्रेडियंट, तो आपको यहाँ पे देखिए नो फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये अपन ने जस्ट अभी पढ़ लिए यहाँ पे ऑप्शन वही है, ये यहाँ पे पढ़ लिए थे अपन ने। और सॉलिड फिल करेंगे तो कोई एक कलर दे सकते हैं यहाँ से आपको, जो भी कलर देना हो, और ग्रेडियंट अब आपका यहाँ पे आया ग्रेडियंट फिल, यहाँ पे आपको ये इस टाइप के ग्रेडियंट स्टॉप्स मिलेंगे, आपको ये क्या मिल रही है यहाँ पे स्टॉप्स है, आपकी कितनी है, चार आएंगे, आप इन्हें मूव कर सकते हैं जहां कहीं भी आपको इनको मूव करना हो और ऐड करना हो, तो ये ग्रीन साइन आ रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ऐड ग्रीन